हाँ दोस्तों, मैं हूँ श्रीतम, आप सबको स्वागत करता हूँ हमारे चैनल एसके टेक क्रिएशन में। तो दोस्तों, आज के वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मैं आज अनबॉक्सिंग करूंगा ये रियलमी 7 प्रो मोबाइल का। तो आज इसका अनबॉक्सिंग करेंगे, जानेंगे इसके बारे में, इसका डिटेल में आपको बताऊंगा इसका फीचर। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना। तो दोस्तों, वीडियो को अभी शुरू करते हैं बिना कुछ देरी किए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यह है Realme 7 Pro। इसका जो ब्रांडिंग है यहाँ पर लिखा हुआ है Realme 7 Pro, और इसका कुछ स्पेसिफिक फीचर है जो कि ये इसका क्वाड कैमरा है जिसमें से 64 मेगापिक्सल का सोनी का कैमरा दिया हुआ है और 65 वाट का सुपर डुअल चार्जर है। और इसका जो डिस्प्ले है ये सुपर एमुलेटेड फुल स्क्रीन डिस्प्ले है और प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन 720G प्रोसेसर। इसका जो कलर है ये मिरर सिल्वर कलर है, इसका बहुत सारा वेरिएशन भी आता है। और इसका जो प्राइस है ये है 22,999 का, ये मैं फ्लिपकार्ट से मंगाया था। तो इसका जो बैटरी पैकअप है ये है 4500 mAh का बैटरी पैकअप है जो कि बहुत अच्छा है। और इसको ओपन करते हैं, जानते हैं इसके बारे में। जो बैक कवर दिया हुआ है Realme 7 Pro के साथ, ये हर एक Realme फ़ोन के साथ आता है और ये आपका मोबाइल को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है और बहुत अच्छा क्वालिटी का ये बैक कवर होता है। बहुत दिन तक आप यूज कर सकते हो, कुछ और एक बैक कवर खरीदने का कुछ ज़रूरत भी नहीं है। चले दोस्तों, और क्या क्या है देख लेते हैं। इसका कुछ पेपर वर्क दिया हुआ है जो कि हर एक Realme फ़ोन में मिलता है, कुछ वारंटी कार्ड है। तो इसको साइड में रखते हैं और देखते हैं इसको मोबाइल को। ये जो मोबाइल है ये अभी कवर में ही, इसको साइड में रखते हैं और देखते हैं और क्या क्या है इसके अंदर। ये अपना चार्जर है जो कि 65 वाट का सुपर डुअल चार्जर है जो कि बहुत फास्ट चार्ज करता है। शायद आधे घंटे में आपका मोबाइल फुल चार्ज हो जाएगा जो कि बहुत अच्छा है, इमरजेंसी के लिए ये चार्जर बहुत अच्छा है। और ये जो केबल, डाटा केबल है, ये अपना A to C type है। सी टाइप है तो बहुत अच्छा है मोबाइल के लिए और कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बहुत अच्छा क्वालिटी का भी दिया हुआ है। और नीचे जो है ये सिम ट्रे का ओपनर है जो कि हर एक मोबाइल में मिलता है। और ये सबको साइड में रखते हैं और देखते हैं अपना मोबाइल को। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो इसका फास्ट लुक कितना अच्छा लग रहा है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है इसका फास्ट लुक। और यहाँ पर पीछे जो देख रहे हैं इसका जो कलर क्वालिटी है बहुत अच्छा है, जो कि मैं इसे मिरर सिल्वर कलर मंगाया था। और इसका प्रीमियम लुक दे रहा है, इसका जो कलर है बहुत प्रीमियम लुक दे रहा है, कलर क्वालिटी बहुत अच्छा है। इसको मैं जरा रिबूट कर लेता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ इसका डिस्प्ले क्वालिटी भी कैसा है। ऊपर आप देख सकते हो इसका जो फ्रंट कैमरा है साइड में दे रहा है, नॉच दे रहा है साइड में जो कि बहुत अच्छा है, डिस्प्ले में कोई इफेक्ट नहीं दे रहा है। और डिस्प्ले क्वालिटी आप देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है, जो कि ये सुपर एमुलेटेड फुल स्क्रीन डिस्प्ले है इसका, जो कि बहुत अच्छा है। डिस्प्ले क्वालिटी बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा इसका डिस्प्ले क्वालिटी। और इसका जो गोरिल्ला ग्लास दिया हुआ है डिस्प्ले में, तो कोई प्रोटेक्ट बहुत करेगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको। और साइड व्यू आप यहां पर देख सकते हैं, साइड में और कुछ नहीं, अपना पावर ऑन ऑफ बटन है। और ऊपर व्यू में कुछ नहीं, ऊपर व्यू में सिर्फ माइक जो कि है प्राइमरी माइक वो दिया हुआ है ऊपर में। और हम नीचे की तरफ चलते हैं, नीचे जो है अपना 3.5 mm जैक है और प्राइमरी माइक्रोफोन, सी टाइप पिन और अपना स्पीकर। और साइड व्यू में सिर्फ पावर, हमारा वॉल्यूम ऑफ एंड डाउन का बटन है और सिम ट्रे ओपनिंग का वो जो स्पेस है। और इसका यहाँ पर कुछ नहीं है, जिसके आप देख सकते हो इसका कलर क्वालिटी बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे तो इसका कलर क्वालिटी बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पर आप कैमरा क्वालिटी देख सकते हो, कैमरा क्वालिटी मतलब यहाँ पर जो कैमरा है क्वाड कैमरा बहुत अच्छा तरह से इसको सजाया है। यहाँ पर 3 कैमरा साइड में और ऊपर साइड में एक और एक कैमरा दिया हुआ है, फ्लैश लाइट है 64 मेगापिक्सल का, 8 मेगापिक्सल का और 2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा है इसका। और इसका जो नीचे यहाँ पर देख सकते हो इसका जो Realme का ब्रांडिंग है ये साइड में दिया हुआ है। इसका जो कलर क्वालिटी है दोस्तों बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्रीमियम लुक दे रहा है, मतलब आपको जो मोबाइल यूज़ करोगे मोबाइल पकड़ने में बहुत अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर जो लॉक का सिस्टम है इसका फेस लॉक भी है और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट है। मैं जरा इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट को सेट कर लेता हूँ, आपको बताता हूँ इसका जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट कैसे काम करता है। और आप यहाँ पर देख सकते हो इसका जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट कितना फास्ट काम कर रहा है। मैं इसको बार बार ओपन कर रहा हूँ, देख सकते हो कितना फास्ट काम कर रहा है जो कि बहुत अच्छा है। इसका जो फिंगरप्रिंट क्वालिटी बहुत अच्छा दे रहा है इसका।
तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो मॉडल है ये है 8GB रैम 128GB इंटरनल का मॉडल है। इसका बहुत ज़्यादा वेरिएशन भी आता है और प्राइस भी उस हिसाब से चेंज होता है। इसका जो प्राइस है 22,999 का है। इसका जो वेरिएशन आता है ये है 6GB रैम 64GB, 6GB रैम 128GB, 8GB रैम 128GB, 8GB रैम 64GB, ये सब वेरिएशन आता है। तो इसका जो प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन 720G प्रोसेसर है, जिसके हाथ आप मोबाइल में बहुत ज़्यादा गेम भी खेल सकते हो, कुछ प्रॉब्लम भी नहीं होगा, पबजी भी खेल सकते हो। अभी तो पबजी नहीं आया है, जब पबजी आ जाएगा उसमें से आप खेल सकते हो, मोबाइल का भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। प्रोसेसर बहुत अच्छा है इसका और ये बहुत अपडेट मोबाइल है, मतलब वर्सन इसका बहुत अपडेट वर्सन है। चलिए इसका कैमरा क्वालिटी देख लेते हैं, कैमरा क्वालिटी इसका कैसा है। यहाँ पर कैमरा में बहुत सारा मोड आता है, जैसे कि आप देख सकते हो, जैसे कि नॉर्मल फोटो वीडियो ये सब आ जाता है। इसका भी एक क्वालिटी दिया हुआ है, इसका अल्ट्रा वाइड क्वालिटी, ये जो है अल्ट्रा वाइड, वाइड एंगल में आप फोटो खींच सकते हो। इसका जो नाइट मोड है, नाइट मोड इसका बहुत अच्छा है, नॉर्मल भी खींच सकते हो और प्रो मोड भी है इसका, और इसका बहुत सारा वेरिएशन भी आता है। ये सब मोड है इसका आप देख सकते हो। और इसका जो पोर्ट्रेट मोड है, पोर्ट्रेट मोड बहुत अच्छा काम करता है। और इसका जो स्पेसिफिक है वो जो 64 मेगापिक्सल का जो है ये बहुत स्पेसिफिक है, इसका क्वालिटी बहुत अच्छा है। और इसका जो एक्स्ट्रा जो चीज़ है वो आप देख सकते हो, यहाँ पर फिल्म भी आप मेक कर सकते हो, फिल्म मेकिंग के लिए एक स्पेसिफिक ऐप है। यहाँ पर आप देख सकते हो नॉर्मल भी खींच सकते हो और प्रो में भी आप फोटो या वीडियो कुछ खींच सकते हो। तो मोबाइल तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसका जो सिम ट्रे है, ये सिम ट्रे कुछ डेडिकेटेड सिम ट्रे है, इसमें से आप 2 सिम कार्ड और एक SD कार्ड यूज़ कर सकते हो, जो कि मतलब बहुत अच्छा है। 2 सिम कार्ड यूज़ कर लिए और एक SD कार्ड यूज़ कर लिए, मेरे हिसाब से SD कार्ड का कोई ज़रूरत भी नहीं होगा, क्योंकि ये 128GB इंटरनल का जो है ये बहुत दिन तक आपको यूज़ कर सकते हो। और ये मोबाइल आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और आप ये जो खरीदना चाहते हो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी डाल दूंगा। दोस्तों अभी तक वीडियो को देख लिए तो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि मैं सबका कमेंट पढ़ता हूँ और आपका कमेंट मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। और वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, वीडियो को शेयर भी कर देना, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा दो, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और मैं इसी तरह अनबॉक्सिंग रिव्यू और कुछ ब्लॉग आप लोगों के लेके आऊंगा। चलो दोस्तों वीडियो को अभी एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।